हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक। हम कौन सा न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? अपना कॉर्पोरेट टैक्स एंड प्लानिंग के अंदर असेसमेंट ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़। मतलब हम टैक्स देखने वाले हैं कि हम कैसे टैक्स का असेसमेंट करते हैं, क्या हमारे टैक्स के प्रोविजंस होते हैं कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ के अंदर। ओके, सो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझेंगे, बहुत ही ईजी मैनर में समझने वाले हैं पूरे टॉपिक को। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से 97.8% बंदे ऐसे हैं जो कि मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, आई डोंट नो। अगर आपको कोई भी कंटेंट समझ में नहीं आता है, सो प्लीज़ कमेंट करो, प्लीज़ दोबारा पूछो। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स असेसमेंट इन अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। सो इनकम टैक्स का असेसमेंट या फिर इसके टैक्स प्रोविजंस तो हम जब भी देखेंगे, सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि हमारा बेसिकली कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं। अगर हमें मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हम इसका टैक्स का कैलकुलेशन ही कैसे करेंगे। सो मीनिंग के लिए इसके डेफिनेशन पे चलते हैं कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ की डेफिनेशन क्या होती है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो कि हमारी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कहाँ पे? अंडर द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। मतलब हम उसे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जब भी मानेंगे या अगर वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर रजिस्टर्ड होगी या फिर किसी अदर स्टेट लॉ के अंदर वो रजिस्टर्ड होगी, अंडर द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट अंडर द सेक्शन ऑफ 2 सबसेक्शन 19। सो व्हाट इज़ अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी? कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ आर दो सोसाइटीज़ विच आर रजिस्टर्ड इन द कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ द 1912 और अंडर द एनी ऑफ द अदर स्टेट लॉ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 19। ओके, सो हमें पता लग गया कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है बेसिकली। अब हम देखने वाले हैं कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ में इनकम का क्या रोल होता है। जो भी हमारी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ की इनकम होंगी, टोटल इनकम वो अर्न करेंगे, कैसे अर्न करेंगे? या तो वो किसी हाउस प्रॉपर्टी से अर्न करेंगे, उसको लैंड करके, गोडाउंस लैंड करके या फिर कुछ भी लैंड करके, मतलब उन्होंने किराए पे दिया, उससे उसको इनकम हुई, या फिर किसी भी प्रॉपर्टी से उन्होंने कोई इनकम अर्न करी, या फिर किसी भी कैपिटल गेन से उन्होंने कोई भी इनकम अर्न करी, या फिर किसी बिजनेस से या फिर अदर सोर्सेज से, जो भी किसी भी फॉर्म में उनको इनकम अर्न हुई उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? उसकी ग्रॉस टोटल इनकम। अब हमारी क्या क्या डिडक्शन प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप बिजनेस करो, हम आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे? डिडक्शन। डिडक्शन क्या होती है, हमने पहले भी पढ़ रखा है। डिडक्शन होती है हमारे टैक्स के ऊपर रिलीफ, मतलब हमारे टैक्स के ऊपर जो भी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स के ऊपर छूट, उसको हम क्या बोलते हैं? डिडक्शन। सो इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट? डिडक्शन किसके ऊपर दे रही है? ऑन द इनकम जो भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ ने अर्न की है। और ये हमारा किस सेक्शन के अंदर आता है? सेक्शन 80P के अंदर। ओके, सो इसमें यही दिया गया है कि जो हमारा एसएससी यहाँ पे कौन होगा? टैक्स पेयर कौन होगा? कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, जो कि उसकी इनकम को हम कंसिडर करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। वो क्या होती है? उस पर डिडक्शन अलाउड करती है हमारी गवर्नमेंट की कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ को। क्या बोला है कि हम आपको कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब अगर आप कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ में अगर आप बिजनेस करते हैं तो हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? टैक्स में बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, टैक्स में रिलीफ, टैक्स में छूट देंगे। अब वो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं हम अभी देखने वाले हैं। सो हमारी 100% टैक्स डिडक्शन कहाँ कहाँ पे अलाउड है? गवर्नमेंट ने बोला है आप बिजनेसेस करो, ठीक है, इन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ में जो हमने बोला है, तो हम आपको क्या देंगे? हम आपको 100% डिडक्शन देंगे, हम आपसे कुछ भी टैक्स नहीं लेने वाले, हम आपसे क्या लेंगे? ज़ीरो टैक्स। आपके प्रॉफिट पे, आपकी इनकम पे, जो भी आपने अर्न की है, हम आप पे उससे क्या लेंगे? ज़ीरो टैक्स, अगर आप हमारी बताई हुई एक्टिविटीज़ में बिजनेस करते हैं। सो अभी वही देखेंगे कि प्रॉफिट एट्रीब्यूट टू सर्टेन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़, अगर हमारी क्या, अगर हमारा वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या करती है? इन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ में प्रॉफिट अर्न करती है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है? हम आपको 100% डिडक्शन अलाउड करेंगे। और ये स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ किस सेक्शन में आती है? सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन ए। ओके ओके, सो अब हम देखेंगे कि क्या क्या बिजनेस कैरी करके हमारे बिजनेस, जो हमारे कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको 100% टैक्स में छूट मिलने वाली है। पहला है कि अगर वो कैरी करते हैं बिजनेस ऑफ बैंकिंग,
किसका बिजनेस कैरी कर रहे हैं, बैंकिंग, या फिर कोई भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं अपने मेंबर्स को। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अगर आप कोई भी बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू, या फिर कोई भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम आपको क्या कर देंगे, टैक्स फ्री कर देंगे। अगर आप इस टाइप का बिजनेस कर रहे हो तो हम आपसे क्या लेंगे, आपके प्रॉफिट पे जो भी आप उनको लोन देंगे उस पे इंटरेस्ट अर्न करोगे उस पे हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, आपकी इनकम पे हम कोई भी टैक्स नहीं लेने वाले। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है गवर्नमेंट ने, अगर आप कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो, मतलब आप कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, जो गांव देहात में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम आपसे क्या लेंगे, 0% टैक्स लेंगे आपकी इनकम पे। जो भी आपसे आप उससे उस कॉटेज इंडस्ट्री से प्रॉफिट अर्न करेंगे, हम उससे आपको कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, हम आपको क्या देंगे, 100% डिडक्शन प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट होता है द मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स। मतलब अगर आप कोई भी मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर किसी भी मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं, जो भी आपके मेंबर्स ने एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस किया है, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है, हमारी सीरियल्स, दालें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है हमारा, जो भी उसके मेंबर्स ने प्रोड्यूस किया, अगर उसकी मार्केटिंग करता है हमारा कौन, कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़, और उससे कुछ भी अर्न कर रहा है, ठीक है, सो उस पे गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपसे क्या नहीं करेंगे, हम आपसे कोई भी उस प्रॉफिट पे या उस इनकम पे टैक्स नहीं लेने वाले। नेक्स्ट होता है परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट सीड्स लाइफ स्टॉक्स और अदर्स आर्टिकल्स इंटेड ऑफ एग्रीकल्चर फॉर पर्पज ऑफ सप्लाइंग देम टू इट्स मेंबर्स। मतलब अगर कोई भी कॉरपोरेटिव सोसाइटी परचेज कर रही है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को, जैसे कि सीड्स, लाइफ स्टॉक्स और अदर आर्टिकल्स, किस लिए परचेज कर रही है, अपने मेंबर्स को सप्लाई करने के लिए, ठीक है, अगर वो मेंबर्स को सप्लाई करने के लिए परचेज करते टाइम उसमें कुछ भी अर्न कर रही है, या फिर जब अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करा रही है उसके टाइम में कुछ प्रॉफिट अर्न कर रही है, सो उसमें गवर्नमेंट ने बोला है हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे उस इनकम पे। नेक्स्ट होता है द प्रोसेसिंग विदाउट द एड ऑफ पावर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स। इसके मेंबर्स ने कुछ भी प्रोड्यूस किया है, अगर उसका प्रोसेसिंग करने में इन्वॉल्व है हमारा कौन, कॉरपोरेटिव सोसाइटी, लेकिन विदाउट द यूज़ ऑफ पावर, विदाउट द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो उस पर जो भी इनकम अर्न होगी उसको प्रोसेसिंग करने के बाद, उसको क्या बोलता है गवर्नमेंट कि हम उस पर आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेने वाले। नेक्स्ट होता है हमारा कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ इट्स लेबर ऑफ इट्स मेंबर। मतलब अगर हमारा कलेक्टिव डिस्पोजल, मतलब हम आउटसोर्स कर रहे हैं बाहर अपनी लेबर को, मेंबर्स की, जो हमने मेंबर्स के हमारे लेबर्स हैं उसको अगर हम आउटसोर्स कर रहे हैं और उससे कुछ इनकम अर्न कर रही है हमारी कॉरपोरेटिव सोसाइटी, सो गवर्नमेंट ने बोला है हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेने वाले, हम आपसे 0% लेंगे इस एक्टिविटीज़ पर भी। ओके, लेकिन इन दोनों में एक कंडीशन होती है हमारी, क्या होती है वो अभी बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है फिशिंग और अलाइड एक्टिविटीज़। अगर हमारी जो है कॉरपोरेटिव सोसाइटी किसी भी फिशिंग या फिर अलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जैसे कि कैचिंग, क्योरिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग, स्टोरिंग ऑफ मार्केटिंग फिश, ठीक है, या फिर कोई परचेज कर रही है मटेरियल या इक्विपमेंट इससे रिलेटेड, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ सप्लाइंग देम टू इट्स मेंबर, और अपने मेंबर्स को सप्लाई करती है सभी प्रोडक्ट्स को, ठीक है, उस टूल्स को या फिश को, ठीक है, सो ये सब क्या होती है, अगर उस पर कोई भी वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है हमारा कॉरपोरेटिव सोसाइटी, सो उसको क्या मिलेगा, 100% डिडक्शन मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन हमारा कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर ऑफ इट्स मेंबर्स और हमारा फिशिंग अलाइड एक्टिविटीज़ में एक एक्सेम्पशन है। एक्सेम्पशन क्या है, ये डिडक्शन is only when the rules by laws of such society restricts to the voting rights of its members। मतलब जो भी हमारे ये members होंगे इनको जब भी 100% deduction मिलेगा cooperative societies को, अगर इन members का voting right ख़त्म हो जाएगा, अगर voting rights उनका रहेगा तो वो tax pay करेंगे, लेकिन अगर इनका voting rights, members का voting rights अगर हम ख़त्म कर दें, अगर इसके voting rights को restrict कर दें, तो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ को 100% डिडक्शन मिलेगा इन एक्टिविटीज़ में। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होती है जिसमें हमें 100% डिडक्शन मिलता है, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी होती है अगर हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं फ्रॉम द प्राइमरी कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़। ओके,
उसमें हम अर्न कर रहे थे फ्रॉम द इनकम, अब इसमें क्या कर रहे हैं, फ्रॉम कर रहे हैं प्राइमरी कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ एक्टिविटीज़ से अगर हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ये हमारा कहाँ पे आता है, सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 ऑफ बी। ओके, इसमें भी हमारी जो है 100% डिडक्शन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की गई है। अगर हमारी कोई भी कॉरपोरेटिव सोसाइटी सप्लाई कर रही है या फिर इस बिज़नेस में इन्वॉल्व है, मिल्क, ऑयल सीड्स, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स, अगर उसको सप्लाई करने में इन्वॉल्व है, मतलब जो भी उसके मेंबर्स ने क्या किया है, ग्रो किया है, उगाया है अपने खेतों में, अगर उसके सप्लाई करने में वो बिजनेसेस इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट ने बोला है जो भी आप सप्लाई करते टाइम प्रॉफिट अर्न करोगे, इनकम अर्न करोगे, हम उस पर आपको 100% डिडक्शन दे देंगे, हम उस पर आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। ओके, नेक्स्ट होता है फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी हुज बिजनेस इज़ टू सप्लाई मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कोई भी अगर फेडरल सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर वो इन्वॉल्व है एंगेज में बिजनेसेस में सप्लाई करने के लिए मिल्क, ऑयल सीड, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स, इस केस में भी क्या होगा, उनको 100% डिडक्शन मिल जाएगी, मतलब नो टैक्सेस पेड थ्रू डैम, मतलब उसको कोई भी गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना। अगर हमारी फेडरल कॉरपोरेटिव सोसाइटी सप्लाई कर रही है अपने मेंबर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट को, मतलब सेल कर रही है बाहर जाके। ओके, नेक्स्ट होता है द गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी। अगर किसी भी गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी में मतलब उस को ये प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं, सो उस पर भी क्या होगा, आपको 100% डिडक्शन उस सप्लाई के ऊपर मिल जाएगा। ओके, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, जो भी आपका प्रॉफिट अराइज्ड हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट कॉरपोरेशन एंगेज्ड है किसी भी सप्लाई करने के लिए मिल्क, सीड्स, फ्रूट्स, ठीक है, सो उसमें भी आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, जो भी आपने सप्लाई के जो अभी आपने सप्लाई किए प्रोडक्ट्स और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, तो उस पर आपको क्या मिल जाएगा, 100% डिडक्शन आपको उसके ऊपर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा गवर्नमेंट कंपनी किस रूल के अंदर डिफाइन की गई है, अंडर द सेक्शन 617 एज पर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। और सैचुरेटरी कॉरपोरेशन हमारी एंगेज्ड अगर है या फिर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हमारी अगर एंगेज्ड है सप्लाई करने के लिए मिल्क, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल या फ्रूट्स टू द पब्लिक, सो उसको क्या मिलेगा, उसके प्रॉफिट, जो भी अगर कोई हमारी चीज़ 100 रुपीज़ की थी और वो हमारी सप्लाई करते टाइम हमें मतलब उसको प्रॉफिट हो गया 150 का, मतलब 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, हमने वो सेल की 150 रुपीज़ की, कहाँ पे, पब्लिक में, मतलब जो भी हमारी जनता है उसको, ठीक है, सो अगर हमारा 50 रुपीज़ का प्रॉफिट था तो गवर्नमेंट ने बोला आप इस 50 रुपीज़ को अपने आप रख सकते हैं, हम आपको इसके ऊपर कोई भी टैक्स अलाइड नहीं करेंगे, हम आपसे इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। ओके, सो ये हम आपको क्या दे रहे हैं, बेनिफिट रिलीफ प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट विद द अदर कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़। आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे को किसी दूसरी कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ में, और ये हमारा किस सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 ऑफ डी। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि अगर आप कोई भी इनकम अर्न कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन द वे ऑफ इंटरेस्ट, या तो आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं थ्रू द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से हमें दो ही चीज़ें मिलती हैं, या तो इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड, ठीक है, आपने ड्राइव किया, सो जितना भी आपने अपना प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड ड्राइव किया, गवर्नमेंट ने बोला मैं आपको उसके ऊपर क्या कर दूंगा, 100% डिडक्शन प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपसे उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लूंगा। नेक्स्ट क्या होता है, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ गोडाउन्स, वेयर हाउस अंडर द सेक्शन 80P सबसेक्शन 2। मतलब अगर आपको कोई भी इनकम अराइज हो रही है बिजनेस में, कहाँ से अराइज हो रही है, वेयर हाउस को, आपने अपने वेयर हाउस को, वो सॉरी, आपने कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ के वेयर हाउस को या फिर गोडाउन्स को क्या कर दिया है, लेट कर दिया है, मतलब किराए पे दे दिया है, और उसमें जो भी आपको इनकम अर्न हो रही है या फिर जो भी आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, सो उस पर गवर्नमेंट ने बोला है हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, आपको 100% डिडक्शन प्रोवाइड करा देंगे। ओके, नेक्स्ट होता है वेयर डिडक्शन अलाउड टू हाँ लिमिटेड एक्सटेंट।
अब कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक ही क्या प्रोवाइड किया जाता है, डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है। मतलब अभी तक हम क्या देख रहे थे कि 100% डिडक्शन मिल रही थी हमें, लेकिन अब कुछ केसेस हैं जहाँ पे हमें 100% डिडक्शन नहीं मिलेंगी, सिर्फ कुछ एक्सटेंट तक ही डिडक्शन मिलेंगी। वो क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी ये कहाँ पे आती है, कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ engaged in other activities। मतलब अभी तक हमने बोला था गवर्नमेंट ने कि अगर आप इन एक्टिविटीज़ में, इन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ में जाके अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शंस मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड से अलग एक्टिविटीज़ में engaged हो तो आपको क्या क्या डिडक्शन गवर्नमेंट देगी, अब हम वो देखते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला गवर्नमेंट ने, हम आपको 100% डिडक्शन नहीं देने वाले इसमें, ठीक है। इनकम ड्राइव फ्रॉम द अदर स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़, अगर हमारी कोई भी कॉरपोरेटिव सोसाइटी है, कंज्यूमर कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ है, ओके, अगर उसको 1 लाख तक का क्या हो रहा है, अगर वेयर द सोसाइटीज़ अर्न रुपीज़, कॉरपोरेटिव सोसाइटी और कंज्यूमर कॉरपोरेटिव सोसाइटी इज़ रुपीज़ 1 लाख, मतलब उसकी अर्निंग कितनी है 1 लाख, तो उसको क्या होगा, डिडक्शन मिल जाएगा, टैक्स में रिलीफ मिल जाएगा अगर सिर्फ उसकी 1 लाख तक की है। और अदर केसेस में क्या, अगर उसकी 50,000 तक की है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर इससे अपर जाती है तो उसको क्या मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, या फिर कुछ एक्सटेंट तक ही डिडक्शन मिलेगा, 20%, 30%, ओके। नेक्स्ट होता है एंटायर इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ़ ग्रोस टोटल इनकम ऑफ अ कॉरपोरेटिव सोसाइटी। अबे हम जब जो भी इंटरेस्ट, मतलब जो भी हमें इंटरेस्ट अचीव्ड हुआ है कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ में, सिक्योरिटीज़ हाउस से, हमें हाउस प्रॉपर्टीज़ से, या फिर अदर देन द स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़, जो भी हमें इंटरेस्ट या फिर इनकम जो भी हमें रिसीव्ड हुई है वो कितनी एक्सीड नहीं होनी चाहिए, डज नॉट एक्सीड 20,000, मतलब 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा हमें इनकम एक्सीड नहीं होनी चाहिए एज़ पर द सेक्शन 80(2). अभी हमने देखा था कि हमें क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के ऊपर हमें 100% डिडक्शन मिल रहा था, या फिर हमें कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टीज़ से मिल रही है, या फिर अदर स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ से, ठीक है। लेकिन हमें इसमें कब मिलेगी डिडक्शन, एक तो 20,000 से ज़्यादा हमारा इनकम अराइज़ नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए, या फिर should be allowed to deduction in case of the corporative society does not mean, या फिर हमारी corporative societies इन सब में involved नहीं होनी चाहिए तभी हमें 100% deduction मिलेगा। मतलब अगर वो इन सब चीज़ों में involved है या फिर ये सब चीज़ें हैं तो हमें 100% deduction नहीं मिलेगा, किस में, interest में, या फिर income from house property से, okay। सो ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है कि अगर हमारी इनकम इन सब एक्टिविटीज़ में अलाइड हो गई सो हमें 100% डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर हमारी कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है, अगर हमारा कोई भी कॉरपोरेटिव सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी है सो उसको क्या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट के ऊपर 100% डिडक्शन नहीं मिलेगा। या फिर हमारा कोई भी अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी है, कोई भी हमारा क्या, हमारा जो भी हमारा ये कॉरपोरेटिव सोसाइटी है, अगर हमारी कोई भी अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी है तो भी उसको 100% डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर हमारी सोसाइटी कैरी कर रही है ट्रांसपोर्ट बिजनेस, कौन सी सोसाइटी, कॉरपोरेटिव सोसाइटी, सो उसको भी 100% डिडक्शन नहीं मिलेगा इंटरेस्ट के ऊपर और द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। सो अ सोसाइटी एंगेज द परफॉर्मेंस इन एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन विद द एड ऑफ पावर प्रोवाइड इट्स टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 20,000। मतलब अगर हमारा कोई भी बिजनेस इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और इनकम उसकी एक्सीड नहीं होनी चाहिए 20,000 से विद द, और उसमें पावर भी यूज़ हो रहा है, सो अगर उसकी 20,000 से इनकम एक्सीड हो गई तो हमारा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर इनकम हमारा 20,000 से कम है इनकम तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट हमारी अर्बन कंज्यूमर कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ कौन सी सोसाइटीज़ होती हैं। अर्बन कंज्यूमर कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ मीन्स अ सोसाइटीज़ बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर विद इन द लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मतलब ये वो सोसाइटीज़ होती हैं जो कि कंज्यूमर को बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती हैं विद द लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल कमेटी एंड नोटिफाइड एरिया ऑफ कमेटी, टाउन एरिया और कैंटोनमेंट, ओके। सो रेट्स ऑफ इनकम टैक्स कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़, सो क्या क्या रेट्स इनकम टैक्स के लगेंगे कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ के। अगर हमें टोटल इनकम अर्न हो रही है अप टू 10,000, सो हमें 10%
पे करना पड़ेगा टैक्स इन सब एक्टिविटीज़ के ऊपर. ओके, वेयर टोटल इनकम एक्सीड 10,000, मतलब हमारी अब कहाँ पे 10,000 से ज़्यादा इनकम है बट 20,000 से कम है, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, हमें 20% अमाउंट टोटल मतलब टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा. वेयर टोटल इनकम इज़ 20,000 और मोर देन 20,000, मतलब अब हमारी कितनी हो रही है 20,000 या फिर मोर देन 20,000, तो हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 30% हमें टैक्स पे करना पड़ेगा प्लस 3,000 सरचार्ज. और टोटल इनकम अगर हमारी एक्सीड हो रही है 20,000 से ज़्यादा. ओके, सो ये हमारी क्या थी, अदर देन द स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है. सो कितना कितना टैक्स पे करना पड़ा, अगर हमारी इनकम 10,000 से ज़्यादा है या फिर 10,000 से कम है या फिर 10,000 से, तो हमें कितना करना पड़ रहा है, वेदर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 10,000, मतलब 10,000 है या फिर 10,000 से कम है, तो हमें कितना परसेंट टैक्स पे करना पड़ेगा, 10%. जहाँ पे हमारी 10,000 से एक्सीड कर रही है मतलब ज़्यादा हो रही है अप टू 20,000, कितना पे करना पड़ेगा, 1,000 प्लस 20% ऑफ टैक्स. यहाँ पे हमें कितना करना पड़ रहा है, 20,000 से ज़्यादा हो रही है हमारी इनकम, तो 3,000 प्लस 30% ऑफ द टैक्स का. ठीक है, अब हमारा सरचार्ज क्या होता है, ये 3,000 हमने सरचार्ज के पे करे थे, तो हमारा सरचार्ज क्या होता है, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स शैल बी इंक्रीज्ड बाय सरचार्ज द रेट ऑफ 12% ऑफ सच इनकम टैक्स केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैविंग टोटल इनकम एक्सीडिंग ऑफ 1 करोड़, मतलब जिसकी भी टोटल इनकम एक्सीड हो रही है 1 करोड़ से ज़्यादा, उसको एक 12% का सरचार्ज रेट क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है. नेक्स्ट, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, द टोटल अमाउंट पेबल एज द इनकम टैक्स एंड सरचार्ज टोटल इनकम एक्सीडिंग शैल नॉट एक्सीड द टोटल अमाउंट पेबल एज इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम रुपीज़ 1 करोड़ और मोर देन 1 करोड़ द अमाउंट दैट एक्सीड्स 1 करोड़, मतलब मार्जिनल रिलीफ हमें जब पे करना पड़ेगा, अगर हमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगा अगर हमारी इनकम कितनी हो रही है मोर देन 1 करोड़. नेक्स्ट होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का पे करना पड़ेगा हमें, ये हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स होता है जो कि हम पे करते हैं 4% इनकम टैक्स वेन एवर एप्लीकेबल और शैल बी लिव्ड. ओके, सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो कमेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ समझ में आता है, मेरा थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें. थैंक यू.